हेलो एवरीवन, बेनिफिट ओपनेचर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूजा, आज मैं आपको एक बहुत अच्छा स्प्रे बताऊंगी जिसे लगाकर ना आप अपने बालों की जड़ों को बहुत ही जल्दी ब्लैक बना सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने ग्रीन टी का इस्तेमाल किया है। ग्रीन टी बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट वाली होती है, बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जिन लोगों को ये लगता है कि उन्हें साइनस की प्रॉब्लम है, या फिर जैसे अब मौसम चेंज होता रहता है, जो लोग डाई लगाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, बहुत छोटे बच्चे हैं जैसे 14+, वो लोग उनके व्हाइट बाल हो जाते हैं, वो डाई नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है अगर हम डाई लगाएंगे तो हमारे बाल और ज़्यादा व्हाइट हो जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा कॉमन है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हम इस तरीके से, जो आज मैं आपको स्प्रे बता रही हूँ, इस स्प्रे को लगाकर ना आप अपने बालों को बहुत जल्दी कलर दे सकते हैं। और ये कलर ऐसा नहीं है कि जो बहुत ही जल्दी शैम्पू करेंगे निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसे आप जब स्प्रे कर आप अपने बालों की जड़ों में लगाकर छोड़ देंगे ना, तो ये जो आपके रूट्स हैं, जो रूट्स के अंदर कमी की वजह से जो सफ़ेद हो जाती है ना, वो तो जब हम उन्हें पूरा पोषण देंगे, एंटीऑक्सीडेंट पूरा देंगे और बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन ख़त्म करेंगे उसका, तो तभी तो वो काली होनी शुरू होंगी ना। तो आज मैं आपको जो बता रही हूँ वो जड़ों पर वर्क करेगा और बहुत ही जल्दी आपके सफ़ेद बालों को काला करना शुरू करेगा। क्योंकि मुझे एक अभी किसी ने कमेंट किया था कि आप हमें सच सच बताइए आप कौन सी डाई का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपके साथ जो चीज़ें आपके लिए लेके आती हूँ, मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ, तो मैं उन चीज़ों को ही इस्तेमाल करती हूँ और उन्हीं से मेरे बालों में आप देखेंगे मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा वाइट है। मैंने बहुत बार आपको वीडियो में दिखाया, लेकिन मैं हर्बल चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ तो उनसे कलर बहुत जल्दी आता है बालों में। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, बहुत ही कॉमन है और बहुत ही अच्छी हैं और बहुत ही जल्दी बालों में कलर लाती हैं। तो बस इसे यूज़ करने का थोड़ा तरीका आना चाहिए। तो चलिए, बहुत अच्छा स्प्रे हर एज वालों के लिए है, क्योंकि जब आप एक प्लस पॉइंट के साथ आप उस चीज को इस्तेमाल करेंगे ना, तभी आपको लगेगा कि हाँ हमारे बालों में वर्क कर रहा है ये। इसलिए अगर आप पहली सोच लेंगे अरे ये तो पानी है, ये तो स्प्रे है, इससे बाल काले नहीं हो सकते, कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हमारे तो बहुत ज़्यादा व्हाइट बाल हैं, अगर आप पहले ही निगेटिव सोच के चलेंगे तो फिर वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आप पॉजिटिव सोच के चलिए और उन चीज़ों को इस्तेमाल करिए, तो बहुत ही जल्दी आपके बालों में कलर आना शुरू होगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज स्प्रे बनाना। और इसे बनाने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ले सके। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं स्प्रे बनाना। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? चलिए आज मैं आपके साथ एक बहुत अच्छा नुस्खा शेयर कर रही हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ ये मैंने कैसे बनाया है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये ऐसा तरीका है जिसे आप बिना किसी झंझट, बिना किसी परेशानी अपने सफ़ेद बालों को काला बना सकते हैं, वो भी हमेशा के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसे एक बार लगा लेंगे, एक बार में आपके बाल काले हो जाएंगे। आपको इसे हफ्ते में 2 से 3 बार लगाना है और आपके बाल नेचुरल तरीके से काले होने शुरू हो जाएंगे, बालों की जड़ें मजबूत हो जाएंगी, बाल घने हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है और इसमें मैंने सिर्फ 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया है। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टेड फॉर्मूला है। अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है, आपको मेहंदी लगाने से कोल्ड हो जाता है, बाजार वाली डाई आप अवॉइड करते हैं, तो ये ऐसा नुस्खा है, हर तरीके से आपके बालों पर काम करेगा। और हर उम्र के लोग इसे, जेंट्स भी लगा सकते हैं, इसे लेडीज़ भी लगा सकते हैं और इसे बच्चे भी लगा सकते हैं। सबके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही कारगर नुस्खा है जो मैं आपको बता रही हूँ। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने आपके सामने इस कॉटन को देखिए, इसमें कितना अच्छा कलर आ गया है। ये बिल्कुल व्हाइट है और इसका कलर देखिए कैसा हो गया है। लेकिन जब आप इसे व्हाइट बालों पर लगाएंगे तो उसका असर देखिए कितना अच्छा होगा बालों पर। ये 2 से 3 बार लगाने में ही आपके बालों की जो जड़ें हैं ना, उन्हें बिल्कुल काला बना देगा, घना बना देगा बालों को, और बालों की जड़ें बहुत ही मजबूत बनाएगा। और अगर आप इसे पूरे बालों में स्प्रे कर शावर कैप लगाकर छोड़ देंगे, तो इससे आपके जो बालों की लंबाई वाले बाल होते हैं, जैसे जो बालों की लेंथ होती है, वो बहुत ही चमकदार हो जाएंगे बाल। क्योंकि इसमें मैंने जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं, दोनों बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। और ये बहुत ही सस्ता और बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि जो चीज़ें आज मैंने इसमें इस्तेमाल की हैं, वो चीज़ें आप घर में अक्सर इस्तेमाल करते हैं, तो इसे इस्तेमाल। और बहुत चीज़ें तो ऐसी इसमें, जैसे मैं आपको बहुत सारी वीडियो में ऐसी चीज़ बताती हूँ जिन्हें आप यूज़ भी नहीं करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद आप उन्हें फेंक देते हैं। इसी तरीके से आज मैंने इसमें एक चीज़ ऐसी इस्तेमाल की है जो आप खाते भी हैं और उसके छिलकों को आप वेस्ट फेंक देते हैं, लेकिन उससे इतना अच्छा कलर बालों में आता है जो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप वीडियो को पूरी देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और उसके बाद अब इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। बहुत ही फायदेमंद नुस्खा है, बहुत ही सस्ता। तो चलिए अब आगे मैं इसके बारे में बताती हूँ आपको, लेकिन प्लीज़ उससे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट रेमेडी बनाना। इस स्प्रे को बनाने के लिए अब सबसे पहले हम लेंगे लोहे की कढ़ाई और इसको हम गर्म करेंगे। और ये देखिए, अब इसमें जो मैं चीज़ें ले रही हूँ वो देखिए, आप ध्यान से देखना, जो मैं दोनों चीज़ें ले रही हूँ वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं बालों के लिए। इसके लिए देखिए, ये मैं लूँगी 2 चम्मच चाय की पत्ती,
चाय पत्ती बालों को काला करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बालों को लंबे टाइम तक कलर देती है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत बार जैसे आपके कपड़ों में चाय गिर जाती है तो उसका दाग नहीं निकलता है, इसलिए क्योंकि चाय की पत्ती में बहुत ज़्यादा ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो बालों को काला लंबे टाइम तक रखते हैं और मजबूत भी बनाते हैं बालों की जड़ों को। तो इस चाय पत्ती को हम भून लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे अपनी दूसरी हर्ब। अगर आपके पास ताज़े अनार के छिलके हैं तो आप ताज़े ले सकते हैं, नहीं तो आप अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो आप पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो ये मैं लूँगी इसमें 2 चम्मच अनार के छिलके। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हम भून लेंगे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर चाहिए। चाय पत्ती तो हमारी अच्छे से भून चुकी है, अब आंवला के जो छिलके लिए हैं हमने अनार के छिलके उनको भी अच्छे से भून लेंगे। अगर आपके पास साबुत वाले हैं तो उनको भी आपको इसी तरीके से कढ़ाई में भूनना है, थोड़ा सा तोड़ लीजिएगा उन्हें हल्का सा, तो उससे क्या होगा वो आराम से भून जाएंगे। इससे क्या होगा आपकी जो हम स्प्रे बना रहे हैं उसे बहुत अच्छा ब्लैक कलर मिलेगा और इसे आप बिना किसी झंझट के सफ़ेद बालों को काला बना सकते हैं अपने बालों में लगाकर। ये देखिए अब ये बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे पानी और इसमें मैं लूँगी लगभग 1/2 कप पानी, ज़्यादा पानी नहीं लेना है क्योंकि इसे हम थोड़ा गाढ़ा फोम में बनाएंगे, तो इसमें 1/2 चम्मच और 1/2 गिलास में पानी लूँगी और इसको हम पका लेंगे। ये देखिए कितना ब्लैक हो चुका है ये, और अभी हम इसे कम से कम 5 मिनट तक पकाएंगे जिससे कि और भी अच्छा गाढ़ा हो जाए। तो इसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे जिससे कि बिल्कुल ब्लैक हो जाए ये। ये देखिए और गैस को हम हल्का सा तेज़ कर लेंगे। अब मैंने मीडियम पर गैस को रखा हुआ है और इसको हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे जिससे कि ये बिल्कुल ब्लैक हो जाए। और इसको कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लगाने का तरीका भी। ये बहुत ही जल्दी बालों को काला बनाता है बिना किसी झंझट, बिना किसी परेशानी, ना इसमें आपको लगाना जैसे धोना पड़ता है सिर को, इसको धोने की भी ज़रूरत नहीं, आप इसे लगा कर छोड़ दीजिए बालों में, बहुत ही जल्दी बालों को काला बनाना शुरू करेगा और ये जड़ों से ही बालों पर वर्क करेगा, जड़ों से ही आपके बालों को काला बनाना शुरू करेगा। देखिए इस तरीके से हम इसे चलाते रहेंगे और आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्लैक हो चुका है ये। और अभी हम इसको छानेंगे लेकिन उससे पहले गैस को हम कर देते हैं कम और इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। इसी कढ़ाई में इसको लगभग 2 से 3 घंटे जब तक ये अच्छे से ठंडा नहीं होता आप इसी में छोड़ दीजिए, उसके बाद हम इसे छानेंगे और उसके बाद इसे हम बालों में अप्लाई करेंगे। ये देखिए कितना ब्लैक हो चुका है ये। अब हम इसको गैस को बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं लगभग 2 से 3 घंटे। और ये देखिए ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है और अब हम इसे छानेंगे। छानने के बाद इसे कैसे लगाना वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये बहुत ही ब्लैक और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। देखिए ये देखिए कितना काला बना है और ये आपके बालों की जो जड़ें हैं ना उसी पर वर्क करेगा। देखिए इस तरीके से इसको लगाना भी बहुत आसान है, अगर आप चाहें तो इसको लगाने के बाद सिर को वॉश ना भी करें तब भी इसका पता नहीं चलेगा आपने बालों में कुछ लगाया है। और इस तरीके से हम इसको छान लेंगे। और ये देखिए इसको हमने छान लिया है, अब मैं आपको दिखा देती हूँ उसका कलर कितना ब्लैक बना है। और इसको लगाना बहुत ही आसान है, आपको इस तरीके से या तो आप इसे स्प्रे बॉटल में भरकर स्प्रे बालों में कर लीजिएगा, नहीं तो आप इस तरीके से ये देखिए जैसे कॉटन है तो कॉटन को गीला करके बालों की जो जड़ें हैं ना उन पर अच्छे से लगा दीजिएगा। अभी आपको मैं दिखा देती हूँ, देखिए ये मैंने कॉटन ली है और इसको मैं अच्छे से सुखा देती हूँ, इसका पूरा जितना एसेंस है पूरा निकाल दूँगी। और ये देखिए इसका कलर, ये भिगाते ही इतना कलर आ गया इससे, और जब आप इसे बालों में अप्लाई करेंगे तो कितना अच्छा कलर आएगा इसका। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है बिना झंझट, बिना किसी परेशानी अपने सफ़ेद बालों को काला बनाने का। तो इसे इस तरीके से आप अपने बालों की जड़ों में अच्छे से लगाकर कॉटन से और फिर उसके बाद सुखा लीजिए, ये बहुत ही नेचुरल तरीके से आपके बालों को काला बनाएगा। और ये ऐसा नुस्खा है जो आप किसी भी तरीके से किसी भी उम्र में अपने बालों को काला बना सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। तो आप इसे ट्राई जरूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टेड फॉर्मूला है जो मैं आपको बता रही हूँ। इस तरीके से आप अपने बालों को लंबे टाइम तक काला बना सकते हैं क्योंकि ये बालों की जो जड़ें होती हैं उसी पर वर्क करता है और आपके बालों को घना भी बनाएगा क्योंकि चाय पत्ती और अनार के छिलके दोनों में बहुत ही ज़्यादा अच्छे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो बालों को जड़ों से काला बनाते हैं, घना बनाते हैं और मजबूत बनाते हैं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है अगर वो इस नुस्खे को हफ्ते में 2 से 3 बार अपने बालों में लगाकर स्प्रे कर लेंगे या फिर कॉटन की सहायता से लगाकर मसाज कर छोड़ देंगे तो हफ्ते में 2 से 3 बार लगाने के बाद ही जब आप अगले
हफ्ते देखेंगे आपके, आपको खुद ही अपने बालों में फ़र्क दिखाई देगा। आपके बालों में कलर भी आना शुरू हो जाएगा, बालों की जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी, बाल शाइनी भी बहुत होंगे, बाल बहुत ही ज़्यादा चमकदार हो जाएंगे। तो इसे आप अच्छे से बनाइएगा, इस्तेमाल कीजिएगा, उसके बाद आपको कैसा लगा वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन के लिए बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी ले सकें। आज के लिए इतना ही, कल फिर कुछ नई अच्छी रेमेडी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।